प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और एक मजेदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर होस्ट अनम शेख को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया अली खान जी, जो कि हमें असली मतलब समझाएंगी निकाह मुत्ता का, यानी कुरान के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्या होती है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस लाते रहें। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद जय भारत। निकाह मुत्ता को जैसे ही प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था अपने इरा में कि निकाह मुत्ता का लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं, उसी वक्त प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह मुत्ता को हराम कह दिया है। और ये कुरान कह रहा है, ये नाजिया नहीं कह रही है, ये कुरान कह रहा है कि निकाह मुत्ता हराम है। लेकिन क्योंकि निकाह मुत्ता से सेक्सुअल डिजायर्स पूरे हो रहे हैं, इसलिए हमारे मुसलमान इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मुसलमान भाई जो हमारे हैं, वो निकाह मुत्ता को हराम नहीं मान रहे हैं। हालांकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरा में ही ऐलानिया डंके की चोट पर कुरान में भी लिखा हुआ है कि निकाह मुत्ता हराम। इसमें एक और चीज भी पढ़ी थी मैंने, मैम आप क्लियर कीजिएगा कि ये शिया जो होते हैं, शिया और सुन्नी, शिया वर्सेस सुन्नी कर लेते हैं, कि सुन्नियों पर ये हराम थी, शिया के अंदर मुत्ता को हलाल है था। तो ये चीज भी मैंने पढ़ी है, इसको भी क्लियर कीजिएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखिए, शिया फिर भी सिविलाइज्ड है, अहमदिया फिर भी सिविलाइज्ड है, ज्यूस फिर भी सिविलाइज्ड है, मैं तो कहूंगी। और देखिए, सुन्नी जो है ना, वो हिंदू से शादी करना पसंद करते हैं, हिंदू मर्द, मुसलमान मर्द, आई एम सो सॉरी, मुसलमान मर्द हिंदू लड़कियों से शादी करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन यहूदी से शादी नहीं करते हैं, वो शिया से सुन्नी मर्द शादी नहीं करते हैं, बहावी से सुन्नी मर्द शादी नहीं करते हैं, क्रिश्चियन से सुन्नी मर्द जल्दी शादी नहीं करते हैं, आपके अहमदिया से सुन्नी मर्द शादी नहीं करते, बोलते नहीं 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 वो तो गुनाह है भाई, हम तो उससे उस वहां की लड़कियों से शादी नहीं करेंगे। लेकिन जिसको हर रोज काफिर का जिसको हर रोज काफिर 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 बोलते रहते हैं हिंदुओं को, उसकी बेटियों से ये ठीक उछल उछल के शादी करते हैं। एक्चुअली में ये प्यार मोहब्बत नहीं होता है, ये एक्चुअली में एक काफिर को कन्वर्ट करना बियॉन्ड द कुरान के खिलाफ जा करके कन्वर्ट करके 72 वर्जिन हूर पाना होता है। अब आपने जो ये बात कही है निकाह मुत्ता वाली, तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि आपने कहा शियाओं में है सुन्नियों में नहीं है, नहीं, जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात की तबलीग कर रहे हैं, इस बात का ऐलान कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये सुन्नी में आ रहा है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो निकाह मुत्ता को अप्रूव्ड किया, और फिर प्रॉफिट जब उन्होंने देखा कि नाजायज फायदा उठाया जा रहा है, तो तब उन्होंने ऐलानिया कहा कि निकाह मुत्ता जो है उसको हम हराम बोलते हैं। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन मानता है, शिया मानता है कि सुन्नी मानता है, वहाबी मानता है, यहूदी मानता है कि सुन्नी मानता है, उम्मते रसूल कौन बोलता है अपने आप को, सुन्नी बोलता है ना अपने आप को। तो देखिए, जब आप इन सब चीजों के बारे में बहुत क्लियरली डीप डीप डाउन जाइएगा, डिग आउट द ट्रुथ कीजिएगा ना, तो जल्दी से फेंक देगा, नहीं 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 नहीं, वो तो शिया करता है, वो तो वहाबी करता है, वो तो ज्यूस करता है, वो तो यहूदी करता है, वो सुन्नी इन सब चीजों पे चला आता है जानबूझ करके, ताकि वो अपने अपने बदन से ये चीजों को झाड़ दे। समझ में आई आपको बात? अब मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, तीन तलाक जिसका केस मैंने देखा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और जिसको मैंने बैन करवाया था हिंदुस्तान में, और भी बहुत सारे सीनियर वकील थे, लेकिन वन ऑफ द पिटीशन मेरा भी था, ठीक है। तीन तलाक पर कुरान पाक क्या कहता है कि हम औरत को और मर्द को क्योंकि बराबरी का दर्जा देते हैं, तो मर्द के हिस्से में मैंने तलाक दिया है और औरत के हिस्से में मैंने खुला दिया है। औरत चाहे तो खुला ले सकती है, अगर वो अपने हस्बैंड के साथ, अपने शौहर के साथ वो खुश नहीं है, और अगर शौहर अपनी बीवी के साथ खुश नहीं है, तो वो अपनी बीवी को तलाक दे सकता है। पर खुला के भी नियम बनाए गए और तलाक के भी नियम बनाए गए, जो कुरान में पूरा का पूरा सही तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन 99.9% कोई औरत खुला लेती नहीं है,
99.9% औरत खुला लेती नहीं है, क्योंकि पहले ही उसके मुंह में तलाक फेंक दिया जाता है। अब तलाक के जितने भी नियम और कानून बनाए गए हैं उस पर कोई सुन्नी मुसलमान नहीं चल रहा है। ओ तुम सो करके देर से उठी हो, तलाक तलाक तलाक। ओ तुम सिर्फ बेटियां पैदा कर रही हो, तलाक तलाक तलाक। ओ तुम्हारी माँ ने मुझे इतनी बड़ी बात बोल दी, तलाक तलाक तलाक। अरे तुम तो जहेज नहीं लेकर आई, बाकी का जहेज मेरे पास आया नहीं है, तलाक तलाक तलाक। अरे तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया, तलाक तलाक तलाक। तो ये सुन्नी मुसलमान कर रहा है। जो डेटा निकल करके हिंदुस्तान में आया है उसमें सबसे भारी मात्रा में 3 तलाक का मिसयूज सुन्नी मुसलमान ने किया है। अब मैं आती हूँ फिर से कुरान पर। कुरान ने साथ साथ ये भी बताया है कि जिस घर में तलाक होता है उस घर में फरिश्तों की आमद बंद हो जाती है। जो मर्द तलाक देता है उस मर्द के रिस्क में कमी आ जाती है। तलाक जिस घर में होता है उसकी वजह से शैतान खुश होते हैं और फरिश्ते नाराज होते हैं। तो आप बताओ कि जब कुरान एक तरफ कुरान ने खुला और तलाक दे करके ये कह दिया है कि हम जेंडर इक्वालिटी रख रहे हैं और हम दोनों को बराबर का दर्जा दे रहे हैं, पर 99.9% कोई खुला देती नहीं है लड़की, पहले तलाक मिल जाता है और तलाक का मिसयूज इस तरीके से हो रहा है। हालांकि कुरान ने कहा है कि इसके नियम है कि आप कैसे तलाक दे सकते हैं। और ये जो चीजें कि रोटी तुमने जला दी है तो तलाक ले लो, हमको दूसरी लड़की पसंद आ गई है तो तुम तलाक ले लो, ये सारी चीजें कुरान ने सख्त ममानियत की है, सख्त। लेकिन सुन्नी मुसलमान इन सब चीजों का लाभ उठाते हैं। बिल्कुल। एक और चीज मैंने पढ़ी थी मैम, मुत्ता के लिए ये जरूरी है था मे बी के औरत को पाक दामन होना चाहिए, मैरिज नहीं होनी चाहिए उसकी, मतलब अनमैरिड होनी चाहिए वो। इस चीज को भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा कि क्यों जरूरी था अनमैरिड होना, जबकि हम देखें तो हम तो निकाह या फिर शादी में जो होती है बेवा उसके साथ भी शादी कर लेते हैं, और जो मतलब जिसके हस्बैंड मतलब कोई भी इस तरह की हो औरत से शादी कर लेते हैं। लेकिन मुत्ता के अंदर ये लाजिम था कि लड़की जो है वो पाक दामन हो या फिर शादीशुदा ना हो। अनम देखिए इसमें भी पार्शियलिटी है, इसमें भी इस्लाम में पार्शियलिटी है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पाक दामन वाली बात आपने उठाई है, एज पर द कुरान, अकॉर्डिंग टू द कुरान, औरत मुसलमान औरत कभी भी मुकम्मल पाक होती ही नहीं है, और इसीलिए किसी भी औरत को प्रॉफिट का दर्जा नहीं दिया गया। एज पर द कुरान, अकॉर्डिंग द कुरान, एक शादीशुदा निकाह वाला मर्द निकाह मुत्ता किसी और लड़की के साथ कर सकता है, ठीक है, अपनी बीवी से परमिशन लेकर के। जैसे आपको कोई शादीशुदा मर्द को मैं पसंद आ गई हूँ तो वो अपनी बीवी से परमिशन लेगा कि हम 1 घंटे के लिए नाजिया से शादी कर निकाह मुत्ता करेंगे, पर ये अनुमति मैं शादीशुदा हूँ और मुझे कोई मर्द पसंद आ गया है और मैं अपने हस्बैंड से परमिशन लूंगी कि वो आदमी मुझे पसंद आ गया, मुझे 1 घंटे के लिए निकाह मुत्ता करना है, ये कुरान ने अनुमति नहीं दी है औरत को। लेकिन शर्त यही है कि हर हालात में उस लड़की को अकेला होना पड़ेगा, सिंगल होना पड़ेगा, चाहे वो विधवा हो, चाहे वो तलाकशुदा हो, चाहे वो कुंवारी हो, पर हर हालात में लड़की को अकेला होना पड़ेगा। अब मैं इसको और क्लियर करके बता देती हूँ कि आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में बोर हो रहे थे तो उनके दिल को बहलाने के लिए बीबी हव्वा को उनकी रीढ़ की हड्डी से पैदा किया गया। क्यों? उनका दिल बहलाने के लिए। तो वहां से इस्लाम ये बताते चला आया है कि औरत का काम है मर्दों का दिल बहलाना, औरत का काम है मर्दों के सेक्सुअल डिजायर्स पूरे करने, औरत का काम है मर्दों की जरूरियात पूरी करनी, औरत का काम है मर्द के परिवार और खानदान को बच्चा पैदा करके बढ़ाना, औरत का काम है उसके घर संसार को संभालना, औरत का काम है मर्द को अपने शौहर को खुश करना, औरत का काम है अपने शौहर की तिमारदारी करना, औरत का काम है अपने शौहर की फरमाबरदारी करना, औरत का काम है कि जब मर्द थक करके आए तो उसका दिल बहलाना। ये सारे शरायत सब कुछ औरत पर दिए गए हैं।
सब कुछ औरत पर दिया गया है। तो ये पार्शियलिटी कुरान में है, कोई माने या ना माने, कोई मुझे गाली दे, गलौज दे, कोई मुझे बुरा बोले, कोई मेरे नाम पर फतवा जारी करे, पर फतवा जारी करने के बाद भी तो मैं तो बोलूंगी ना कि भाई लिखा दिखाओ दिखाओ, और औरत को और, कोई एक प्रॉफिट का नाम बता दो जो औरत है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाज़िया राय खान जी ने आपको अच्छे से मतलब समझाया अकॉर्डिंग टू इस्लाम अकॉर्डिंग टू कुरान निकाह यानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का क्या मतलब होता है और उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।